एफआईआर कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको जब भी एफआईआर कर पर लिखना पड़ता है तो वो माने समझ लीजिए रिकॉर्ड हो गया, उसको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। तब हमको ये याद आया, मैंने लिखा आदरणीय बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे हैं, और ऐसी कविताएं सुनते सुनते मैं समझता हूँ 60 बरस हो गया। अच्छा लगा कि एक दरोगा, सूर्य कहा करते थे दा रो गा देव रो के चाहे गा के, क्या बात है। अरे नहीं, ये कोई बात नहीं है, हर आदमी ऐसा नहीं होता। मैं सत्य घटना बता रहा हूं। मैं डीजल रेल इंजन में कारखाने में काम करता था, हमारा हलवाहा वो जात का वो था, तो उसकी माँ ने कहा कि बाबू आप बनारस में रहते हैं, अगर हम मर जाए तो हमार लाश बनारस में फूका जाए। अरे कहे नहीं, हम इंतजाम करेंगे। तो वो लड़का उनका लेकर के लाश आया था, और यहाँ हमारे साथ एक आदमी काम करता था, उसकी सास मर गई थी, जिसका उसे पूरा मकान वगैरह मिला था, और सबको पिला उला करके ले आया था घाट पे, और सब लगे जो लकड़ी तोलता है उसी में मार पीट करके सब बंद हो गए रात में। और यहाँ इंस्पेक्टर थे पांडे जी, बाद में वो होकर के रिटायर हुए। तो पांडे जी के यहाँ जब मैं गया तो रात के 1 बज रहा था, तो वहाँ मिश्रा जी दरोगा जी बैठे थे, कहे गुरु जी आप कैसे? हम कहा यार पांडे जी के हमारे मित्र हैं। और कहे अरे हम आपको जानते हैं, आप कभी हैं? बोलिए क्या काम है? हम कहा उस सब बंद हो गए हैं, ये हमारे साथ काम करता है, कृपया आप इसे छोड़ दें। कहे गुरु सबको छोड़ देंगे लेकिन उस सब तौलने वालों को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुर्दे में भी वो सब कमाते हैं, कम तौलते हैं। तो हमने कहा कि कहिए कितना दिलवा दे। कहे कहा गुरु अब यही मुर्दा वाले माने मामले में ले। तो बंदू बहुत से ईमानदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ईमानदारी की कोई क्या बात मैं किसी एक के लिए नहीं कर, मैं जीवन के बहुत अनुभव हूँ। रात थी सुहाग की, दरोगा जी ने दुल्हन से पूछा क्या सबूत की तू पत्नी हमारी हो, 7 फेरे मंडप में आपके हमारे हुए, बोली प्राण नाथक क्या तू निपट अनाड़ी हो, एक बात उसके दिमाग में ये कौद गई, शायद घूसखोर इनके रक्त की बीमारी हो, फिर 100 रुपया दिया जो खोल गांट से, तो बोले हम माने तू हमारी प्राण प्यारा। बंधु ये कविता बहुत पूरे देश में सुनी गई, कहने का अर्थ ये नहीं है बिना लिए दिए कहीं कुछ नहीं होता। अभी हमारे उपाध्यक्ष है दबदार, जानता है कि उपाध्याय ही है 80 के एक सब इंस्पेक्टर है, वो उनकी बहू से कुछ पैसा लेकर के घर से निकलने नहीं दे रहे, और दामाद को ससुर ने मार दिया, सर फट गया। सत्य घटना है कि केवल 1 हफ्ते की। तो बंधुओं पुलिस का और जनता का बराबर सामना होता रहता है। मैं तो समझता हूं कि कितने SSP और उस वक्त कोतवाल आए और गए, जहां जहां गए तहां तहां हम कब सम्मेलन करने जाते थे, हमको चकाचक बनारसी को लोग नहीं भूलते थे। और बहुत से इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर भी कभी हुए, ओज की कविताएं कभी और अच्छी कविताएं लिखते थे, आपने भी बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बड़ा अच्छा लगा। मैं 2-4 एकाध शब्द सुना दूं आपको। जी जी। आज 1 महीना पहले अमेरिका, चूंकि मैं 2 बार गया था, तो वहां दमदार को इस वर्ष जाना था, लेकिन इसका वीजा नहीं मिला। अमेरिका में वीजा नहीं मिलता, ये लॉकडाउन के पहले की बात है। तो
वहां लोगों ने कहा कि आप ऑनलाइन कवि सम्मेलन कीजिए, लेकिन भोजपुरी में कविता पढ़नी होगी, उसके बाद आप चाहे जो भी पढ़ें, क्योंकि हम जो भोजपुरी समाज है यहाँ अमेरिका में बहुत से सब क्रीम लोग ही गए हैं, बजू वहाँ ऐसे वैसे लोग नहीं गए हैं जहाँ जो लोग अमेरिका पहुँचे हैं। हम जब पहली बार गए थे तो वहाँ बलिया के लोग हमको खाना खिलाने अपने घर ले गए, कह रहे हुआ कुछ भोजपुरी में सुनाइए। हमका भोजपुरी में हम तो कम लिखते हैं, लेकिन हमने कुछ लोकगीत उनको सुनाया, सुन के रोने लगे बंधु। तो मातृभाषा जहाँ भी कोई रहता है तो दिल छू जाता है। तो कोरोना काल था, मैंने लिखने का प्रयास किया, अमेरिका रूस होनोलुलु चीन ताइवान चारों ओर बस महामारी है कोरोना बा, बाटे न दवाई सुई कौनो वैक्सीन बना, ना ही तंत्र विद्या ना ही जादू ना ही टोना बा, डॉक्टर नर्स पुलिस कर्मी सफाई वाले हम लड़वैया ना ही एनहन के खोना बा, सब लोग अपने तरीके कासे लड़त हमन साणहुर पेट के भगावत करोना बा। तो बंदों कहने का मतलब ये है कि करोना भगाने के लिए बहुत बहुत उपाय किया गया। एक छंद और, चिंग पिंग टिंग थिंग करे यदि सीमा पर सभी चार फुटियों को बर्फ पे लथेड़ दो, इसने मचाया उत्पात सारी दुनिया में, चीन का ये वायरस चीन में घुसेड़ दो, सार सिंह गोहर नाय के गोहराय कह शिव जी से बाबा भोलेनाथ सा अब बखिया उधेड़ दो, काशी को तवाल काल भैरव को जगाओ नाथ, आप निज क्षेत्र से करोना को खदेड़ दो। बंधुओं आज भी हमारे घर वाले कहते हैं आप 82 वर्ष के हो गए, कहीं खाना उना मत खाइएगा। पहले हमारी आदत थी कि सवेरे हम कचौड़ी जलेबी जरूर खाते थे, कोरोना की वजह से किसी के घर और कहीं जाने की इच्छा नहीं करती और डर के मारे जाते भी नहीं। सुनिए कि छूटी कचौड़ी जलेबी हमारी मिले नहीं चाट पकौड़ी का दोना, क्या बात है, अधूर हुआ रसगुल्ला गुल गुलाब और गुलकंद पड़ा हमें खोना, विश्व चढ़ा महामारी की भेंट पड़ा चहु और विपत्ति का रोना, असंभव यहाँ देश पड़ा चहु और विपत्ति का रोना, देश मेरा खुशहाल बने शिव शंभू भगा दो यहाँ से करोना। बंधु बाबा भोलेनाथ से निवेदन कर रहा हूँ, बंधु अब त्रस्त हो गया है। आज मैं गुदोलिया पे खड़ा था, उस लड़के का इंतजार कर रहा था, तो अनाउंस हो रहा था कि जो आदमी बिना मास्क के आएगा उसको दंड भी होगा, हो सकता है जेल भी भेज दिया जाए, और दिल्ली में तो 2000 रुपया है। तो आप लोग भी होशियार रहे और हर जगह जाए ना। इस सफल कवि सम्मेलन के लिए मैं फिर भाई बुद्धिहीन जी को बधाई देता हूँ कि रेलवे के इतने बड़े अधिकारी होते, जहाँ जहाँ रहे ये तहाँ तहाँ विशाल कवि सम्मेलन होता रहा, वहाँ वहाँ मैं जाता रहा। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि कम से कम ऐसे कार्यक्रम जरूर किया करें और लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना काव्य का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।